R15 V3 हाँ, ये आपका मात्र 1.5 साल का गाड़ी है। ये 6,000 या 7,000 चला होगा, ये तो पर्सनल है बाइक है। तो बहुत कुछ आपका मार्केट में मैंने लगाया, इसमें आपका बबल वाइजर लगाया है, एसी का लगाया ना। हाँ, ये मैंने ही लगाया, सब कुछ मैंने ही किया। उन्नीस का गाड़ी है, ये भी 8,600 कुछ चला है, ये भी आपका मात्र 20,000 चला हुआ ओरिजिनल। 2010 में गाड़ी में कुछ खर्चा नहीं करना, लेना है चलाने। तो ये गाड़ी हम लोग दे देंगे 6,500-6,500 का। 2021 का गाड़ी है और मात्र 7,000 चला हुआ, अनयूज्ड गाड़ी है। 25 तीनों। 2020 का एंड का गाड़ी है, लगभग 15,000। बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो राहुल भाई पहले आप बताइए, आप कैसे हैं? एकदम अच्छे। आप फिर से आ गए राहुल भाई का पास, ठीक है। सेकंड बाइक का डील लेके साई ऑटो पे, और वो वाला शोरूम अभी साई ऑटो का कुछ दिन के लिए बंद रहेगा, 3 महीना बंद, कुछ महीने के लिए बंद रहेगा। तो अभी मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वो शोरूम का अगर वीडियो देख के इसमें आओगे तो भी चलेगा, कोई भी दोनों इनका शोरूम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी स्टॉक में आज आप लोग स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे दिखाएंगे, वर्जन 3.2 मिल जाएगा, स्कूटी वगैरह तो बुलेट वगैरह हमें मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। और एक खास बात है ना, बुलेट में आज बहुत कम प्राइस में हम लोग दिखाएंगे ना बुलेट। हाँ, एक कम प्राइस में दिखाएंगे। तो सबसे जो मेन चीज है, लोकेशन बता दीजिए, लोकेशन क्या हो जाएगा ये आपका? अगर जुबली से आते हैं और कोई भी बाहर का लॉट ले, तो वहाँ से जुबली से आपका लेफ्ट टर्न लेते के साथ सीधे आने पड़ेगा, रेल ब्रिज आता है, पंचमुखा रेल ब्रिज जो है वो पार करते के साथ आपका लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। तो आप लोग आसनसोल में आके सीधा बोलोगे सेंट्रल मॉल कहाँ, वहाँ पे आके राहुल भाई को कॉल करोगे तो राहुल भाई आपको रिसीव कर लेंगे ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बता दे, फाइनेंस भी अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, लोकल कस्टमर के लिए दुर्गापुर आसनसोल कुल्टी, कुल्टी से लेके दुर्गापुर तक, और नाम ट्रांसफर पूरा वेस्ट बंगाल हो ही जाएगा। अभी थोड़ा दिक्कत है, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। पेपर का टेंशन नहीं लेना, पेपर का टेंशन नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल से नाम ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा ट्रांसफर लोचा चल रहा, मेरा कमेंट भी आया था 2 दिन पहले कि भाई अभी ट्रांसफर होने के लिए, तो अभी कुछ दिन के लिए कोर्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था ट्रांसफर का, हर शोरूम का भाई, इस शोरूम का नहीं, हर शोरूम वो चार्जेस बढ़ेगा, नाम चार्जेस बढ़ेगा, इसलिए अभी थोड़ा कोर्ट में थोड़ा मतलब बात चल रहा जो भी है, तो हो सकता है चार्जेस बढ़ सकता है, लेकिन अभी तो श्योर हम लोग नहीं बता सकते हैं ना। जो भी होगा कुछ दिन बाद आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, बाकी हो जाएगा नाम ट्रांसफर वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो हम लोग गाड़ी आज कहाँ से दिखाना शुरू करेंगे? स्कूटी से शुरू करते हैं ना, वर्जन 3 वगैरह बहुत कुछ दिखाएंगे, स्कूटी से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता दीजिए इसका क्या, कौन सा मॉडल है क्या? अच्छा, एक्टिवा, एक्टिवा 125 2015 का मॉडल है। ऐसे उठा के क्या दिखा रहे हैं? नंबर भी दिखाना जरूरी है, बोलता नंबर नहीं दिखा, ये नहीं दिखाई बात है, नंबर दिखा, देख लो भाई, एफ नंबर है, 7605 नंबर है 2015 का। ये वाला हम लोग आस्किंग है आपका 38,000, 2015 का आस्किंग है 38,000। और अगर मेरा चैनल का नाम लेके कोई आएंगे बंदा, बिल्कुल नेगोशिएबल हो जाएगा, हर गाड़ी में होगा, हर गाड़ी में होगा, कुछ फिक्सिंग नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो आप वहीं से मेरे को इंस्टाग्राम पे ऑडियो कॉल कर लेना भाई, इंस्टाग्राम आईडी में आपको मिल गया होगा, ठीक है। नहीं होगा तो वो हम देख लेंगे, करवा देंगे भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसके बाद आता हूं हम लोग ये स्कूटी पे, पीला वाला, ये टीवीएस का एंटॉक है, एंटॉक है, इसका नंबर एक बार देख लो भाई, नंबर भी दिखा दो, मतलब 2018-19 का गाड़ी है, 18 एंड का, 18 एंड का गाड़ी है। कितना आस्किंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका? ये हम लोग आस्किंग तो ऐसे 60,000, लेकिन ऑन टेबल बैठो कुछ ना कुछ, ऑन टेबल बैठो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब गाड़ी का किलोमीटर हम लोग नहीं बता रहे, क्योंकि बहुत सारा गाड़ी ना याद नहीं रहता, फिर याद रखना, ये सब गाड़ी हम लोग मान के चलते अंडर 20,000 का आसपास चला हुआ, 25,000 चला हुआ, 25,000 चला हुआ है, 20,000 का गाड़ी जो रहा, मीटर भी टेम्परिंग नहीं होता हमारे पास, जो रहेगा रियल रहेगा, आप देख सकते हो, लाख किलोमीटर भी रहेगा, अब किसी से लाख मीटर वाली कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर अगर लाख भी चला रहेगा तो आपको लाख ही दिखेगा यहाँ पे, वो लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर है ना। अब आती है गाड़ी, ये आपका मेस्ट्रो है 2015 का मॉडल, ये भी आ जाएगा आपका 36 तक आ जाएगा, मेस्ट्रो 2015 का मॉडल, डिस्कवर भी दिखा दीजिए। अच्छा, अब डिस्कवर है, बाइक दिखा देते हैं डिस्कवर, इसका कैसे क्या आ जाएगा, कितने साल का मॉडल? ये आपका 2013 का मॉडल डिस्कवर 125, ये आपका दाम भी 13 ऐसा ही होगा, कंडीशन सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, गाड़ी का देख ही रहा, गाड़ी कंडीशन बहुत अच्छा, माइलेज भी है, सब सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, माइलेज स्कीम तो है ही ऊपर से, हम लोग आस्किंग है 25,000, बहुत कम है, कुछ मिल उसमें कुछ हो जाएगा, 25,000 मतलब बहुत कम है भाई, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, 13 गाड़ी है, सही बात। अब आता हम लोग फिर से राहुल भाई की स्कूटी दिखा देते हैं, ये यामा का फेसिनो है 2019 का मॉडल, ये भी बहुत कम रेट में मिलेगा 35,000 में, 19 का गाड़ी, 2019 का गाड़ी 35,000 में, फाइनल फिक्स रेट है, ये फिक्स रेट इसमें कुछ नहीं होगा, सही बात है, 2019 का गाड़ी नहीं होगा उसमें हम बता देंगे, 2019 का गाड़ी अगर कितना 35,000 में, 35,000 बहुत कम रेट आ रहा, तो बहुत कम रेट है भाई, इसमें क्या ही नेगोशिएट होगा, लेकिन कैसे इतना कम प्राइस में आ रहा वो तो हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। और राहुल भाई बता पाएंगे क्या क्या इतना कम प्राइस में कैसे आ रहा, मतलब वही तो।
चैलेंजिंग प्राइस, चैलेंजिंग प्राइस है, कुछ कुछ गाड़ी में हो जाता है। हाँ, अब आते इस पे, ये यामा का जेडर है, जेडर है 2019 का, ये भी मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ऐसे तो आस्किंग हम लोग 60,000 था, लेकिन 55 तक में आ जाएगा, और ऊपर से कुछ ना कुछ 1,15,000 रुपए दाम है। हाँ, 1,15,000 दाम है भाई यहाँ, सही बात है। अब आते हम लोग एक्टिवा 5G आपका 2019-18 एंड का गाड़ी है, ठीक है, इसका ये भी आ जाएगा आपका 48,000 फाइनल, 48,000 में फाइनल है। जो जो गाड़ी का फाइनल रेट है वो गाड़ी फाइनल रेट फाइनल बोल देंगे, फाइनल बोल देंगे, जिसका नेगोशिएट होगा उसका हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बाइक बाद में दिखाते, पहले स्कूटी भी खत्म कर लेते हैं। अब दिखा देते हैं स्कूटी, ये सुजुकी का SS125 आपका 2017 का मॉडल है, BS4 गाड़ी है, ये आस्किंग हम लोग 40,000 है, बट ऑन टेबल बैठो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये भी आपका सुजुकी का SS125 आपका 2018 मॉडल, ऐसे तो आस्किंग हम लोग 45,000 है, बट कुछ बैठो ऑन टेबल कुछ ऑन टेबल कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। चलिए वो स्कूटी दिखा दो, उसके बाद बाइक दिखाते हैं। ये भी 2018 का एविएटर है, अलॉय व्हील डिस्क के साथ टॉप मॉडल है। ये भी आ जाएगा 50,000 में आ जाएगा, 50,000 में फाइनल है ये, फाइनल। अब आते हैं डिस्क का दिखा देते हैं, इसका तो बहुत कम प्राइस होगा। हाँ, ये भी आपका 2010 का मॉडल है, नहीं नहीं उतना भी नहीं, उससे भी कम होगा, 20। ये आपका है 2010 का मॉडल है डिस्कवर, ऐसे तो आस्किंग हम लोग का ये भी है आपका 2022 जो जेन्युइन रेट है, जेन्युइन रेट है। हाँ, लेकिन लेकिन हो जाएगा कुछ ना कुछ, हो जाएगा कुछ ना कुछ, मतलब 20,000 तक आ जाएगा। थोड़ा सा इस वाली मॉडल और साल प्राइस बता दीजिए। ये तीनों गाड़ी आपका आ जाएगा 150 है, कितने का मॉडल तीनों? ये आपका 11 का, ये दोनों 13 का, 11 का 13 13 का प्राइस सेम है क्या? लेकिन देख के लग नहीं रहा गंदा ही है, डस्ट बैठा हुआ है ना बस, बाकी धो पोछ के मिलेगा ना वो सब जब आएंगे कस्टमर तो उसमें कम्प्लीट होगा, क्योंकि भाई धोएंगे तो कितना धोएंगे, डेली तो गंदा बैठना ही है गाड़ी में ना, रोड साइड है ना, रोड साइड में डस्ट ज्यादा, गाड़ी जब सेल होगा तभी हो जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हम लोग इसका आस्किंग आपका 90,000, सारा गाड़ी है 2020 का सितंबर महीना का, सितंबर महीना मतलब एंड का ही हम लोग, एंड का मॉडल है, तो इसका आस्किंग प्राइस क्या है? 90,000 कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब आते ग्लैमर है, ये तो बिल्कुल नया लग रहा है, ग्लैमर FI 2021 का मॉडल है, ग्लैमर FI 2021 का मॉडल है, और आस्किंग प्राइस किलोमीटर कितना होगा इसका आसपास? लगभग 15,000 समथिंग चला हुआ गाड़ी है, इसका आस्किंग प्राइस क्या हो जाएगा? आस्किंग तो हम लोग का 65 है ऑन टेबल, इसमें भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा उसमें बता। अब आते हैं हम लोग जिसके लिए थोड़ा सा वेट कर रहे थे बहुत ज्यादा व्यूअर्स, मेरे को पता है, ठीक है, R15 V3 V3 हाँ, ये आपका मात्र 1.5 साल का गाड़ी है। हाँ, और इसमें आपका बबल वाइजर भी लगा हुआ है, ये मात्र कितना गाड़ी है? 1.5 साल का, 2021 का एंड का, एंड का गाड़ी है ना, मेरे को लग ही रहा था नंबर देख के 2021 का गाड़ी, क्योंकि एक नंबर है और नंबर भी शुरू वाला मेरी गाड़ी का जैसा, ठीक है, 2021 का एंड का बीच का नंबर है भाई। हाँ, तो इसका आस्किंग प्राइस क्या हो जाएगा? आस्किंग किलोमीटर कितना चला होगी गाड़ी? ये 6,000 या 7,000 चला होगा, ज्यादा नहीं है, 6,548 किलोमीटर है भाई, कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला है गाड़ी, बहुत कम चला है, ठीक है, 1.5 साल का गाड़ी है, 6,000 किलोमीटर अंडर 7,000 लोग बोल सकते हैं, 7,000 के अंदर गाड़ी चला हुआ है, जेन्युइन चला हुआ है आप लोग, ये भी कम चला हुआ गाड़ी, और आप लोग गाड़ी लेने से पहले मैं तो ये बोलूंगा आप लोग अच्छे से चेक वेक कर लो, उसके बाद एडवांस दे दो भाई, उसके बाद लेके चले जाओ, एडवांस लेने के बाद कितने दिन बाद गाड़ी ले सकते हैं? 1 सप्ताह 10 दिन मैक्सिमम, 1 सप्ताह का टाइम देंगे हम लोग, 1 सप्ताह, और उसमें भी आप कैंसिल करते हैं कुछ ना कुछ माइनस होगा, क्योंकि हम लोग गाड़ी ज्यादा रोक के नहीं रखते, सही बात है, अगर रोक के रखे कुछ ना कुछ माइनस होगा, तो क्लियर कर, कोई तो रोक के, कोई तो गाड़ी मतलब ऐसा तो नहीं है कि लेके नहीं जाएंगे, जो एडवांस करो तो लेके चले जाएंगे, सबको पता है, ठीक है, एडवांस तो रिटर्न नहीं होता, आप बोल रहे कुछ ना कुछ रखेंगे, हाँ, वो तो एडवांस रिटर्न नहीं होता, भी करना सही नहीं रहता, सही नहीं रहता, क्योंकि कोई भी अगला, सही बात है, कस्टमर फिर अपना बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, सही बात है। इसका आस्किंग प्राइस क्या हो जाएगा? 150 है, 140 तक कर दे, चैलेंजिंग प्राइस, चैलेंजिंग प्राइस भाई, 1.5 साल का गाड़ी, 1.5 साल का गाड़ी है, देख लो आप लोग, ठीक है, और गंदा भी मत जाओ आप लोग, गाड़ी साफ सुथरा करके आपको मिलेगा, ये तो पर्सनल बाइक है, ये तो पर्सनल बाइक है भाई, ये चीज देखो भाई, बहुत तगड़ा लग रहा है, बहुत कुछ आफ्टर मार्केट में मैंने लगाया है, इसमें आपका बबल वाइजर लगाया है, उसके बाद हम लोग SC प्रोजेक्ट कलर, ये आफ्टर मार्केट लगाया ना, हां ये मैंने ही लगाया, सब कुछ मैंने ही किया, ऑफिस को सारी यूज कर रहे थे ना, हां अभी हम ही यूज कर रहे हैं, बेचना है कि नहीं बेचना इसको? बेच देंगे, ऐसे कोई रेट मिलेगा तो ठीक है, ये भी ज्यादा नहीं चला हुआ, ये 19 का गाड़ी है, ये भी 8,600 कुछ चला है, बस 19 का गाड़ी है, मतलब आप लोग डेट पे मत जाओ, 19 का गाड़ी 20 का गाड़ी, आप लोग किलोमीटर पे जाओ, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। गाड़ी अगर 10 साल पुराना भी होगा ना भाई, किलोमीटर अगर कम चलेगा तो वो मतलब हम लोग बोल सकते पुराना गाड़ी, लेकिन चलाने पे नहीं लगा पुराना गाड़ी, हम लोग मेन है किलोमीटर, ठीक है, गाड़ी ऐसा बहुत गाड़ी है ना जो की 2022 का गाड़ी है, लेकिन चल जाएगा 25-30 हजार किलोमीटर। अब इसका रेट रेट क्या हो जाएगा?
1.5 लाख के आसपास ये भी गया। नहीं 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 उतना नहीं, 1,20,000 हम लोग आस्किंग है, 1,15,000 में आ जाएगा मेरे को लग ही रहा था। ठीक है, उसके बाद भी कुछ डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा, घर चैनल का नाम लिखाएंगे तो? आइए ना, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, उसमें भी कर देंगे, उसका टेंशन नहीं है भाई। अब आते ये वाला अपाची 2B, अपाची 2B 160 का 180 है भाई, 160 है, 160 है भाई, 180 का डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है। अगर ये लुक में इस पिकअप माइलेज सब मिल जा रहा था, 160 में सबसे बेस्ट ही है, सही बात है। आपका 2019 का गाड़ी है, हाँ? आसी हम लोग का 60,000 है, कुछ ना कुछ उसमें भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ज्यादा पुराना गाड़ी भी नहीं भाई, कुछ नहीं है, गाड़ी डस्ट लगा हुआ है, बैठा हुआ है इसलिए लग रहा है, इसलिए लग रहा है। अब आते हैं हम लोग थंडरबर्ड पे, अब थंडरबर्ड क्या है, 350 है, एक्स नहीं है, 350 है, ये आपका 2019 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 18 का है, सॉरी 18 का फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये भी आपका मात्र 20,000 चला हुआ, ओरिजिनल ओरिजिनल 20,000 चला हुआ, कुछ नहीं चला, अंदर ही आएगा फिर ये गाड़ी, ये आ जाएगा आपका 1 लाख में आ जाएगा, फाइनल 1 लाख में फाइनल आ जाएगा, कर देंगे, और उसमें भी कुछ होगा तो उसमें भी कर देंगे। अभी तो आप मेरे को 1,05,000 बताया था ना उसका दाम, कर दिए ना डिस्काउंट वीडियो में अपने लॉट, ये बात भाई रियलिटी है, अभी मेरे को 1,05,000 बताया था राहुल, मैंने आके पूछा दाम कितना, तो 1 लाख का अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा कुछ उसमें भी हो जाएगा भाई, उसमें भी कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, गाड़ी वैसा है इसलिए रेट बोले, इसलिए रेट बोले भाई, ठीक है, और वो बुलेट का रेट बहुत कम में आएगा। हाँ, अभी बात आते हैं थंडरबर्ड आपका 2010 का मॉडल है, 10 का मॉडल है, लेकिन रेट भी बहुत कम आएगा भाई, बहुत कम रेट में आएगा, गाड़ी बहुत अच्छा है, वेट मेंटेन है, गाड़ी में कुछ खर्चा नहीं करना, लेना है चलाना है, जिसको बुलेट का शौक है, कम रेट में ही बुलेट चाहिए तो ये गाड़ी बेस्ट है उसके लिए। ये गाड़ी देख लीजिए, ये गाड़ी हम लोग दे देंगे सिर्फ 1,50,000 में, सिर्फ और सिर्फ 60,000 में बुलेट मिल रहा है, ठीक है, इतना में अपाची का रेट हम बोले, 60,000 में बुलेट मिल रहा, किलोमीटर हो सकता है ज्यादा चला हो सकता है गाड़ी, क्योंकि इसमें डीजल मीटर तो नहीं आता था ना, ये आपका चला 50,000 जो रहेगा रियल रहेगा मेरे पास, 50,000 फिर भी 2010 का गाड़ी, 50,000 किलोमीटर चला है, कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला है, आदमी 1.5-2 साल में चला लेता है मेरा, वही तो बोल रहे, इसका प्राइस क्या आ जाएगा, 60,000 आप तो बोल दिया ना, ये फाइनल रेट आएगा, फाइनल रेट आएगा, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। अब आते ये वाला गाड़ी पे, जावा, जावा 42 नंबर भी बहुत अच्छा है इसका, 3002, अच्छा यही है क्या, 1 लाख वाला नंबर, 1.5 लाख वाला नंबर के लिए 1.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। ये भी आपका 2021 का गाड़ी है, और मात्र 7,000 चला हुआ, अनयूज्ड गाड़ी है ये भी, तो नंबर 1.5 लाख का गाड़ी कितने में आ जाएगा, 3 लाख के नीचे, ये भी रेट अच्छा रेट में मिलेगा, 1,25,000 में मिल जाएगा, 1,25,000 में ऊपर से नंबर का इतना नया, मैं अभी जाओगे लेने तो कम से कम 250 या 260 जा रहा है, 260 बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है गाड़ी 250 के बीच में जा रहा है भाई, नंबर के लिए भाई मजाक करें हम लोग, ठीक है, नंबर ये कोई स्पेशल नंबर नहीं है, मिल जाता किस्मत से कभी, ठीक है, गाड़ी जितना प्राइस है उतना ही में गाड़ी बंदा लिया था, और गाड़ी आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, 1 लाख कितने बोले, 25,000 आफ्टर मार्केट, बहुत कुछ आफ्टर मार्केट, बहुत कुछ लगा हुआ, ग्लास वगैरह इसका भी अच्छा अच्छा ग्लास लगा हुआ, बैक कैरियर लगा हुआ, सही बात है। और भी एक 220 है राहुल भाई के पास, वो मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, आप लोग देख लेना उसका कैसे क्या आ जाएगा, वो आपका 18 एंड का गाड़ी है, 19 का पकड़ सकते हैं हम लोग, आस्किंग आपका 65,000, उसमें भी हम लोग कुछ नेगोशिएबल कर रहे हैं। उसका मोटा मोटी कौन सा कलर का था गाड़ी, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक कलर का, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हो तो जहाँ तक डील था राहुल भाई के साथ, हम लोगों ने मिलकर दिखा दिया, ठीक है, बहुत सारा गाड़ी आपको, कुछ अगर गाड़ी का अगर मतलब रिक्वायरमेंट है वो भी आप राहुल भाई को कॉल करिए, या फिर जो गाड़ी आपको यहाँ पे दिखा, अगर फोटो अच्छे से हम नहीं दिखा पाए कि शाम का टाइम है, तो राहुल भाई को आप स्क्रीनशॉट मेरा वीडियो से लेके व्हाट्सएप में सेंड कर देना, आपका ये व्हाट्सएप नंबर है ना जिसमें, ठीक है, तो व्हाट्सएप में आप लोग सेंड कर देना, आप फोटो वीडियो को गाड़ी का अच्छे से मिल जाएगा, और कहीं लोकल बंदा अगर फाइनेंस करना चाहते हो तो भी गाड़ी का फोटो भेज देना, भाई आपको बता देंगे गाड़ी का कितना डाउन पेमेंट करना होगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाना होगा, वैसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाना होगा वो बता दीजिए, आधार, पेन, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, घर का करंट इलेक्ट्रिक बिल अगर है तो ठीक है, नहीं तो गैस पासबुक लेकर आ सकते हैं, और सिविल भी अच्छा रहेगा, तो सिविल वो तो लॉग इन करने के बाद पता चल जाएगा, ऐसे तो कस्टमर बोलता नहीं है, मतलब परेशान करता है लॉग इन करने का टाइम, सही बात है, तो फिर और अगर दूर से कस्टमर आएंगे तो मैं बोलूंगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट साथ में लेके आओ, बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बार लेके आइए, जो भी होगा अगर होने का रहेगा तो हो जाएगा, होने का रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है, बार बार हैरेसमेंट नहीं करना, बार बार हैरेसमेंट नहीं करना, लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगा दूर से कस्टमर एक बार प्लीज कॉल करके, अभी नाम ट्रांसफर का थोड़ा सा लोचा चल रहा है, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी आप लोग दूर से आओ तो एक बार कॉल करके आना भाई, वो हम लोग देख लेंगे कहाँ का कहाँ का नहीं, ठीक है, तो जहाँ तक डील था उन्होंने दिखा दिया, और इस तरह आप लोग को डेली मेरे चैनल पर मिलते रहेगा और मिलते रहता है भाई, तो इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना है ताकि डेली अपडेट मिलते रहे, और वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो एक लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, ठीक है, तो मिलेंगे कल एक नए डील के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।